देखिए थ्री नंबर क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में एक वक्र दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, और दो रेखाएं यहाँ तीन रेखाएं हैं वाई इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर एवं वाई अक्ष, अभी तो एक आपकी रेखा होगी ना, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। फिर यहाँ दर्शाते हैं, यहाँ एक्स, यहाँ पर एक्स डैश, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे वाई, और नीचे मैं देता हूँ यहाँ पर वाई डैश। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पाराबोला बनेगा, परवलय बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, इसी तरह से ना बना है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई का ग्राफ हो जाएगा। हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई के फॉर्म में होगा तो इसी तरह से ना बनाते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर दिया है, तो y इक्वल टू टू यहाँ से जाएगा और y इक्वल टू फोर हम लोग यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह y इक्वल टू में टू के लिए हो गया और यह y इक्वल टू में फोर के लिए हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है y अक्ष, तो y अक्ष ये रहा और प्रथम चतुर्थांश में देखना है, तो y अक्ष इन दो रेखाओं और इस वक्र से घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा, इसी का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए तो इसको, इस बिंदु को ए ले लेते हैं, इसका निर्देशांक होगा जीरो कमा माइनस दो, क्योंकि वाई एक्स पे चल रहे हैं ना, तो एक्स नियामक जीरो होता है, वाई जो है वैल्यू। यहाँ बी, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो कमा फोर, यहाँ पे सी देते हैं, यहाँ डी देते हैं, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम लोग एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे थे, अब की बार वाई एक्स के अनुदिश चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर वाई रेखाएं वाई इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर एवं वाई अक्ष से घिरा क्षेत्र ए बी सी डी ए है, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर वाई, तो यहाँ सब की बार हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वाई एक्स का अनुदिश चल रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर फोर वाई, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर फोर का वैल्यू टू और वाई का पावर वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी सी डी ए का जो क्षेत्रफल होगा वह इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, टू टू फोर एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा डी वाई लेना होगा, क्योंकि हम लोग वाई एक्स के अनुदिश चल रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए तो यहाँ पे टू टू फोर और एक्स की जगह पे आ जाएगा यहाँ टू वाई का पावर वन बाई टू, ये कॉन्स्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया। चलिए आगे क्या हो जाएगा, टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने से पावर में एक ऐड करेंगे और पावर को नीचे नोट करेंगे, तो y का पावर थ्री बाई टू और y में थ्री बाई टू रखेंगे तो पलटेगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा और यहाँ है टू टू फोर। चलिए ध्यान से देखिए, पहले फोर पुट करेंगे फिर टू पुट करेंगे, चलिए टू बाहर ऐसे ही है, अंदर देखिए फोर पुट करेंगे तो टू बाई थ्री फोर का पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री टू का पावर थ्री बाई टू। चलिए अब इसे अब देखो मैं क्या करता हूँ, टू ब्रैकेट के अंदर टू बाई थ्री और इसे हम लोग टू का पावर टू नहीं लिख सकते हैं और इंटू में थ्री बाई टू है पावर में माइनस टू बाई थ्री, इसे चाहें तो हम लोग टू इंटू में टू का पावर वन बाई टू कर सकते हैं, बात को समझे ना, क्लियर हुई ना बात, या फिर हम इसे टू रूट टू भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में वन है और यहाँ पावर में वन बाई टू ऐड करेंगे तो ही आ जाएगा। चलिए कई तरीके हैं आप सिंप्लीफाई करके, पिछले वीडियो में मैंने, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दूसरे तरीके से दिखा देते हैं, यहाँ टू बाई थ्री यहाँ देखो ना ये पावर ये कट जाएगा इससे, तो टू बाई थ्री यहाँ टू का पावर थ्री एट हो जाएगा माइनस टू टू जा फोर बाई थ्री और यहाँ रूट टू, यहाँ ये रूट टू हो जाएगा, टू टू जा फोर और बाई थ्री और ये रूट टू हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा ऊपर सिक्सटीन माइनस फोर रूट टू और बाई में थ्री, समझे ना, चाहो तो इस दो से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
16 में 2 से गुना करेंगे 32, माइनस का 8 रूट 2 और बटा में 3 वर्ग इकाई, यह आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन